इन दिनों एक शिव भजन काफी सुर्खियों में है, जिसके बोल हैं हर हर शंभु। सुर्खियों में होने के साथ साथ एक विवाद का मुद्दा भी बन गया है ये भजन, और इसके पीछे की वजह है इस भजन को गाने वाली गायिका फरमानी नाज, जिनकी बेहद ही सुरीली आवाज है। एक बार कोई ये भजन सुनेगा तो बेशक इस भजन में खो जाएगा। वहीं कुछ लोग हैं जिन्हें नाज का ये भजन गाना पसंद नहीं आया। कुछ मुस्लिम उलेमाओं का कहना है कि एक मुस्लिम होकर नाज को शिव भजन नहीं गाना चाहिए था। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब 24 जुलाई को फरमानी नाज ने यूट्यूब पर अपने इस गाने को पोस्ट किया था। उसके बाद तो जैसे ये भजन सुर्खियां बटोरने लगा, लेकिन वहीं कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों को उनका ये भजन गाना रास नहीं आया। देवबंद के मौलवी मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि शरिया कानून के तहत गाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि कोई भी गाना गाना हराम है या इस्लाम में मना है। खासकर खुद को मुस्लिम मानने वाली महिला को ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए। अब इस पर हम आगे बात करें, इससे पहले जान लेते हैं कौन है फरमानी नाज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज काफी जानी मानी गायिका है। इंडियन आइडल सीजन 12 में भी नाज ने भाग लिया था, जिसकी वजह से वो अपने क्षेत्र में जाना माना नाम बन गई। 2017 में पति इमरान के साथ फरमानी नाज का निकाह मेरठ के छोटा हसनपुर गांव में हुआ था, लेकिन शादी के बाद उन्हें काफी परेशानियां देखने को मिली। उनका एक बेटा भी है, लेकिन किसी वजह से उन्होंने अपने पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। नाज बताती है कि उन्हें गाने का काफी शौक है। एक दिन फरमानी नाज कोई गाना गुनगुना रही थी, तभी गांव में राहुल नाम के शख्स ने उन्हें गाते हुए सुना और उनके गाने को ऐसे ही रिकॉर्ड करके YouTube पर डाल दिया, जिसके बाद फरमानी नाज के गाने को काफी पसंद किया गया। इस तरह से फरमानी नाज ने अपना खुद का YouTube चैनल शुरू कर दिया, जिस पर करीब 38.4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन नाज एक मुस्लिम है, जिस वजह से मुस्लिम उलेमाओं ने उनके शिव भजन गाने पर सवाल उठा दिए। वहीं देवबंद के उलेमा के बयान के बाद तो जैसे बवाल खड़ा हो गया। नाज ने भी कहा कि एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। जब मैं गाना गाती हूं तो सब भूल जाती हूं। मैं कव्वाली भी गाती हूं, यहां तक कि मोहम्मद रफी ने भी भक्ति गीत गाए हैं। मुझे कभी कोई धमकी नहीं मिली। हां, थोड़ा विवाद जरूर हुआ, लेकिन मेरे घर तक कोई नहीं आया। इस भजन को गाने के बाद नाज कई लोगों के निशाने पर रही, तो कई लोगों ने उनकी तारीफ भी की। और कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। एक कलाकार जो भी करता है वो पूरी तरह खुद को उसमें ढाल लेता है, फिर चाहे वो एक्टर हो, आर्टिस्ट हो या फरमानी नाज जैसे गायक हो। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जेजेएन आपके लिए ऐसी ही रिपोर्ट्स लाता रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।